कुछ ज्यादा बड़े भी नहीं और कुछ ज्यादा छोटे भी नहीं, इस तरीके से। और अभी हम ग्राइंडर में इसमें मैंने क्रश किया था तो वो इसका लेफ्ट ओवर है, तो उससे हमारे ओरियो बिस्किट्स और, तो अभी हम उसमें डालेंगे मिल्क। आई एम टेकिंग अ फुल ग्लास ऑफ मिल्क और अभी हम उसमें डालेंगे ओरियो बिस्किट का पैकेट। तो मैं यहाँ पे चॉकलेट ओरियो बिस्किट यूज कर रही हूँ। आप कौन सा भी ओरियो बिस्किट यूज कर सकते हो। अभी हमें पूरा एक पैकेट डालना है, तो हमें थोड़े छोटे छोटे टुकड़े करके डालेंगे ताकि वो ग्रैंड हो जाए। गाइस बहुत अच्छा बनने वाला है ये, और हम इसको एकदम होटल जैसा सर्व भी करेंगे और ये पीने में भी बहुत टेस्ट होगा। और ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, जब भी आपको भूख लगती है, आपको कुछ यम्मी सा खाने का मन करता है, तो बस ओरियो लो घर से और मिल्क के साथ मिला के जो मैं स्टेप्स कर रही हूँ वही फॉलो करके आप बना सकते हो ओरियो बिस्किट। सो ये देखिए गाइस, इसमें ओरियो है और अभी हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। अभी गाइस यहाँ पे मेरा ओरियो मिल्कशेक जो मैंने ग्राइंड किया था वो रेडी हो, देखो कितना यम्मी दिख रहा है। और अभी बारी आती है सबसे मेन, इसको डेकोरेट करने की। तो डेकोरेट करने के लिए सबसे पहले मैं हर्शी सिरप ले रही हूँ, और आपको ऐसे भी ग्लास में इसको कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे वाइन ग्लास में कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम नीचे थोड़ा डालते हैं और फिर अभी हम इधर आजू बाजू ऐसे ऐसे करके थोड़ा डिज़ाइन टाइप कुछ बना लेते हैं। ओके तो ये देखिए, ये मैंने कुछ डिज़ाइन बनाई है और अभी हम डालेंगे ओरियो मिल्कशेक इसके ऊपर जो हमने अभी अभी बनाया है। तो हम इसको डाल रही हूँ, ये मिक्स हो जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैंने अभी इधर ओरियो मिल्कशेक भरा है और उसके ऊपर अभी हम डालेंगे हमारे क्रश्ड ओरियो बिस्किट्स जो अभी अभी हमने थोड़े देर पहले क्रश किए थे। और अभी हम इसको बहुत सारा डालना है ताकि वो टेस्टी यम्मी दिखे, और जब भी आप इसको पियोगे तो आपको बीच में ओरियो क्रशेस आएंगे। और उसके ऊपर थोड़ा और हमें डालना है ओरियो मिल्कशेक, और फिर हम थोड़े और ये डाल देते हैं और हम पूरा ऊपर का जो पार्ट है वो भी हम इससे कवर कर देंगे। और फिर जो हमने और थोड़ा बाकी है वो भी हम इसके ऊपर ऐसे डाल देते हैं। एंड अभी हम स्पून की मदद से थोड़ा बहुत मिक्स कर देंगे कि वो थोड़ा अच्छा यम्मी टाइप दिखे। और अभी ऊपर से हम डालेंगे ये जो हमने थोड़े बड़ी बड़ी पीसेस किए थे ओरियो बिस्किट के, वो इस तरीके से। और फिर अभी हम थोड़ा बहुत ये जो हमारे क्रश्ड ओरियोज है उसको भी ऐसे ऐसे थोड़ा छिड़क देंगे ताकि वो ब्यूटीफुल लगे। एंड अभी हम इसमें से थोड़ा सा और हर्शी सिरप डाल देंगे बीच में, और ये हमारी बनके रेडी है। ये देखिए गाइस ऊपर से कितना अच्छा दिख रहा है, साइड से भी आप देख सकते हो बहुत अच्छा दिख रहा है। एंड अभी मैं इसको पीऊंगी।